हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ बीटा फंक्शंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने बीटा फंक्शंस के सारे फॉर्मूलाज लिखे थे और रिवाइज कर दिए। सो आप आज हम उसी फॉर्मूलाज के बेस कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 - y^4 dy। ठीक है, अब हमारे बीटा फंक्शंस की फॉर्मूला क्या थी? बीटा एम एन वॉज इंटीग्रेशन 0 to 1 x^2m इंटू 1 - x^n - 1 dx। ठीक है, ये हमारी फॉर्मूला थी। अब देखो, इस फॉर्मूला में हमारे पास ऐसे कुछ y का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, y का हमारे पास कोई टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये y^4 जो हमको प्रॉब्लम दे रहा है उसको हम t सपोज करेंगे। सो लेट y^4 इक्वल टू t। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे हम, इफ y^4 इक्वल टू t देन इससे हमको क्या मिलेगा, 4y³ dy, 4y³ dy इक्वल्स टू डी टी। ओके, एंड इसमें से हमको y की वैल्यू क्या मिलती है, y इज t^1/4। ओके, सो ये सारी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसके अंदर, बीटा फॉर्मूला के अंदर। ये हमारा होगा इंटीग्रेशन 0 to 1 1 - y^4 डी वाई अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 - y^4 डी वाई इक्वल्स टू, अब देखो y^4 उसको हमने t सपोज करा है। सो ये होगा 1 - t और पावर में रूट है तो ये हो जाएगा 1/2, और डी वाई हमारा है dt/4y³। दिस वुड बी dt/4y³ है तो इसको मैं 1/4 y^-3 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि y³ is y^-3, 1/y³ is y^-3, और जो 1/4 है उसको कांस्टेंट में बाहर रखता हूँ। और इंटीग्रेशन हमारा होगा कहाँ से कहाँ तक, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, कि when y is 0, t is also equal to 0, and when y is equals to 1, t is also equals to 1. So limits would be same from 0 to 1. ठीक है, अब ये y हमारा क्या था, y हमने फाइंड किया t^1/4 है। ठीक है, सो ये हमारा होगा, if y equals to t^1/4, y^-3 is equals to t^-3/4। ओके, से हमारा होगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 to 1 y^-3 is t^-3/4 into 1 - t^1/2 dt। ओके, तो अगर हम हमारी इस इक्वेशन को बीटा फंक्शन की जो इक्वेशन उससे कंपेयर करें, अगर हमारा बीटा एम एन होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 x^m-1 into 1 - x^m-1 dx। ठीक है, ऊपर लिखा हमने ऐसा। ठीक है, यहाँ पे लिखा ये रहा एम एक्स सॉरी यहाँ पे m-1 आएगा, m-1 into 1 - x^m-1। ओके, सो इसको कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलता है कि m-1 = -3/4। ठीक है, ये m-1 = -3/4 एंड n-1 = 1/2। ओके, n-1 = 1/2। सी हमारा होगा m और n की वैल्यूज होगी यहाँ से m = 1 - 3/4 which is 1/4, एंड n = 1 - n = 1 + 1/2 which is equals to 3/2। ओके, सो ये हमारा होगा बीटा एम कॉमा एन इक्वल्स टू बीटा ऑफ 1,4,3/2। ओके, सो और हमारा इसमें आगे 1/4 तो था ही। ठीक है,
आगे हमारा क्वेश्चन में 1/4 तो ये था ही, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका, इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 - y^4 dy (1/4 बीटा 1/4, 3/2। अब बीटा एम एन हमको पता है, बीटा एम एन इज गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। सो दिस वुड बी 1/4 कॉमन बाहर, फिर 1/4, 3/2, ठीक है। सो ये होगा गामा 1/4 इंटू गामा 3/2 अपॉन गामा 3/2 प्लस 1/4, कितना होगा ये 6 + 1 7/4। ओके 7/4 नीचे हो जाएगा गामा 7/4, ठीक है। हमें पता है कि गामा एन इज एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, ठीक है। सो गामा 3/2 विल बी 3/2 - 1 = 1/2, गामा 1/2 एंड गामा 1/2 इज रूट पाई, दिस वुड बी रूट पाई अपॉन 2। ओके सो गामा 3/2 इज रूट पाई अपॉन 2, दिस वुड बी 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/2, ठीक है, रूट पाई बाय 2, डायरेक्टली रूट पाई बाय 2, ठीक है। ऐसे ही जरूर मैं साइड में लिख दूंगा। बिकॉज गामा 3/2 इज इक्वल टू रूट पाई बाय 2। ओके सो और एक गामा 1/4 को इसको हम ऐसे ही रखेंगे, गामा 1/4, ठीक है। और एक गामा 7/4 कैसा हो जाएगा, वो होगा गामा एन इज एन माइनस वन गामा इंटू एन माइनस वन, ठीक है, ऐसा होता है। सो गामा 7/4 वुड बी 7/4 - 1 विच इज 3/4। ओके सो ये हो जाएगा 7/4, 3/4 गामा 3/4। ओके सेम होगा 3/4 गामा 3/4। ओके 3/4 गामा 3/4 अब वो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा रूट पाई अपॉन 6, ठीक है, रूट पाई अपॉन 6 होगा। अब हम क्या करेंगे, स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हम गामा 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इट बाय गामा 1/4, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय गामा 1/4। सो ये होगा हमारा गामा 1/4 इस पावर 2 अपॉन गामा 3/4 इंटू गामा 1/4। अब जो गामा 3/4 इंटू गामा 1/4 है, 4 है, इसको हम लिख सकते हैं गामा ऑफ 1 - 1/4 इंटू गामा 1/4, ठीक है, क्योंकि 1 - 1/4 इज अगेन 3/4 ओनली। ओके सो गामा 3/4 इंटू गामा 1/4 इज रिटन एज 1 - 1/4 इंटू गामा 1/4। ओके ये हमारी कौन सी फॉर्मूला आ गई, दिस रिसेम्बल्स टू गामा ऑफ 1 - n इंटू गामा ऑफ n फॉर्मूला। ओके सो इसका आंसर क्या आता है, फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला में हमें पढ़ा कि इसका आंसर आता है पाई अपॉन साइन एन पाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा n क्या है, हमारा n है 1/4, 1/4। ओके सो ये हमारा होगा पाई अपॉन साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 इज 1/√2, सो ये हमारा हो जाएगा √2 पाई। ओके दिस वुड बी √2 पाई। सो गामा 3/4 इंटू गामा 1/4 इज √2 पाई। सो अगर हम इस पर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये होगा √5/6 तो था ही, इंटू गामा 1/4 होल स्क्वायर अपॉन √2 इंटू पाई, ठीक है। सो ये पाई इधर अगर यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा से होगा 1/6√2, और ये पाई नीचे है तो नीचे भी रूट पाई हो जाएगा इंटू गामा ऑफ 1/4 इज टू पावर 2। ये हमारा है फाइनल आंसर।
है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे विच विल बी तो नेक्स्ट सम इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 रूट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। ओके सो हमें पता है कि कॉट एक्स हमारा होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है सो हम कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स यहाँ पे प्लेस करते हैं। सी हमारा होगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है डीएक्स तो है ही डीएक्स है। सो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं वापिस। दिस कैन बी री रिटन एज 0 to π/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट साइन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स रेस्ट पावर -1/2 और ये रूट ऑफ कॉस एक्स इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स रेस्ट पावर 1/2 डीएक्स। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसकी फॉर्मूला बताई थी। ठीक है कौन सी फॉर्मूला थी 0 से π/2 इंटीग्रेशन साइन रेस टू पी एक्स इंटू कॉस रेस टू क्यू एक्स हो। ठीक है क्यू एक्स डी एक्स हो। सो इसका आंसर आता है गामा ऑफ पी प्लस 1/2 टू गामा ऑफ क्यू प्लस 1/2 अपॉन गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। ठीक है सो नहीं वो बीटा के फॉर्म में अगर होती तो वो फॉर्मूला होती अगर वो फॉर्मूला अगर बीटा के फॉर्म में अगर हम लिखने जाए तो वो होती है 1/2 बीटा ऑफ पी प्लस 1/2 कॉमा क्यू प्लस 1/2। ठीक है बीटा के फॉर्म में ये फॉर्मूला होती है। सो इसको अगर हम सॉल्व करने जाए यहाँ पे हमारा पी की वैल्यू क्या है देखो पी की वैल्यू है हमारे यहाँ पे -1/2 एंड क्यू की वैल्यू है +1/2। ओके सो यहाँ पे हमारा पी है पी इक्वल्स टू -1/2 क्यू इक्वल टू +1/2। ओके सो अगर इसको सॉल्व करने जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/2 बीटा ऑफ पी प्लस वन -1/2 +1 विच इज 1/2 अपॉन 2 दिस विल बी 1/4। ठीक है एंड दूसरा क्यू प्लस 1 अपॉन 2 सो 1/2 + 1 विच इज 3/2 3/2 अपॉन 2 इज 3/4। ठीक है इसको अगर हम सॉल्व करने जाए तो अगेन सेम फॉर्मूला बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। यहाँ पे हमारे एम की वैल्यू है 1/4 एंड एम की वैल्यू हमारी 3/4। ओके एम की वैल्यू 1/4 और एन की वैल्यू है 3/4 तो इसको सॉल्व करेंगे हम। सो ये होगा 1/2 बार है ही शुड बी गामा ऑफ 1/4 इंटू गामा ऑफ 3/4 अपॉन गामा ऑफ 1/4 + 3/4 विच इज 1/4 + 3/4 इज 1 सो दिस शुड बी गामा ऑफ 1। ठीक है अब गामा 1/4 × 3/4 अभी हमने लास्ट में आपका इसके अलावा वाले जो सब में उसमें करा कि ये होता है गामा ऑफ 3/4 इज इंटू गामा 1/4 दिस विल बी 1 - 1/4 2 1/4। ओके सो दिस वुड बी दिस इज अगेन आवर फॉर्मूला गामा ऑफ 1 - n इंटू गामा ऑफ n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई और यहाँ पे हमारा आंसर आया था पाई अपॉन पाई रूट टू आंसर आया था। ठीक है हमने सॉल्व करते हैं क्योंकि साइन पाई बाय फोर इज 1/√2 और √2 पर जाता है तो पाई रूट टू आंसर आता है। इसके ऊपर वाले सम में हमने सॉल्व करा था। ठीक है सी हो जाएगा 1/2 इंटू पाई रूट टू और गामा वन क्या होता है हमारा गामा वन होता है हमारा देखो गामा एन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एन -1 फैक्टोरियल सो गामा वन इज इक्वल्स टू 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 1 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। ठीक है सो दिस विल बी 1/2 कॉन्स्टेंट और ये हमारा आंसर क्या आएगा π√2। ठीक है सो दिस विल बी और आंसर वुड बी √2/2 इज 1/√2 दिस विल बी π/√2। ठीक है नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम
नेक्स्ट सम करने से पहले मैं आपको एक और फॉर्मूला दिखाना चाहूंगा, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रिस्ट पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स रिस्ट पावर एम प्लस एन। ठीक है, ये भी हमारा होता है बीटा एम एन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विच वुड बी इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स इज टू फोर रेज टू पावर थ्री डी एक्स। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन। सो इसमें क्या करें, देखो अभी अगर ऊपर वाले फॉर्मूला से अगर हम रिसेंबल करने जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे वन प्लस एक्स की जगह पे यहाँ पे हमारे पास है एक्स इज टू फोर। सो हम क्या करेंगे, ये हमको प्रॉब्लम दे रहा था, हम इसको टी सपोज कर लेंगे। सो दिस वुड बी लेट एक्स इज टू फोर इक्वल्स टू टी। सो फोर एक्स क्यूब डी एक्स वुड बी इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, फोर एक्स क्यूब डी एक्स वुड बी इक्वल्स टू डी टी। एंड ऐसे हमको एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, एक्स वुड बी टी रेस टू पावर वन बाय फोर। ठीक है, और अगर हम एक्स की वैल्यू टी बाय फोर इसमें प्लेस करें, ठीक है, तो हमारा डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन फोर एक्स क्यूब है। सो अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करें कि ये डी टी अपॉन फोर एक्स रेस टू पावर थ्री बाय फोर हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी है टी रेस टू पावर वन बाय फोर। सो यहाँ पे अगर एक्स इक्वल टी रेस टू पावर वन बाय फोर प्लेस करें, सॉरी यहाँ पे टी आ जाएगा, दिस वुड बी डी टी अपॉन फोर टी रेस टू पावर थ्री बाय फोर। ओके, सो ये सब जो वैल्यूज है हमारी, देखो अब, और अगर इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो देन टी इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो एंड इफ एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी देन टी इज ऑल्सो इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक ठीक है, लिमिट्स चेंज करने में हमको इजी आसानी पड़ेगी। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू फोर रेज टू क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। हमने लिमिट्स तो चेंज करी थी एक्स स्क्वायर, देखो एक्स हमारा क्या था, एक्स वॉज टी रेज टू पावर वन बाय फोर, देन एक्स स्क्वायर वुड बी टी रेज टू पावर वन बाय टू। ओके, सो एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, टी रेज टू पावर वन बाय टू अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू फोर रेज टू, देखो एक्स रेज टू फोर को तो हमने टी सपोज किया, सो हमारा होगा वन प्लस टी रेज टू पावर थ्री एंड डी एक्स की जगह हमारा आएगा डी टी अपॉन फोर टी रेज टू पावर थ्री बाय फोर। ठीक है, अभी टी रेस्ट पावर थ्री बाय फोर अगर ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी टी रेस्ट पावर वन बाय टू माइनस थ्री बाय फोर। ठीक है, वन बाय फोर कॉन्स्टेंट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अपॉन वन प्लस टी रेस्ट टू पावर थ्री डी टी। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा वन बाय टू माइनस थ्री बाय फोर इज माइनस वन बाय फोर। ओके, सो फोर माइनस थ्री इज वन, सो हमारा होगा वन बाय फोर ही जीरो से इन्फिनिटी टी रेस्ट पावर वन बाय टू माइनस थ्री बाय फोर, दिस इज वन बाय फोर। ओके, सो दिस इज टी रेस्ट टू पावर, सो दिस इज टी रेस्ट टू पावर माइनस वन बाय टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री इज हाँ टू टू माइनस इज माइनस वन बाय, दिस वुड बी माइनस वन बाय फोर अपॉन वन प्लस टी रेस्ट टू पावर थ्री डी टी। हमारा जो बीटा का जो इंटीग्रल फॉर्म है उससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमारा बीटा एम एन हमारा क्या था, फॉर्मूला बताया मैंने, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल मैंने फॉर्मूला बताया। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन। सो यहाँ से अगर हम वैल्यूज कंपेयर करें तो क्या होगा हमारा कि एम प्लस एन एम माइनस वन, देखो एम माइनस वन वुड बी इक्वल्स टू माइनस वन बाय फोर होगा। ठीक है, देखो एम माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन बाय फोर एंड एम प्लस एन इक्वल्स टू थ्री, एम प्लस एन इक्वल्स टू थ्री। सो यहाँ से हमको एम की वैल्यू क्या मिलती है, एम इज वन माइनस वन बाय फोर विच इज थ्री बाय फोर। सो यहाँ से अगर हम एन फाइंड करें तो एन वुड बी थ्री माइनस एम विच इज थ्री माइनस थ्री बाय फोर। ओके, थ्री माइनस थ्री बाय फोर विच इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस थ्री विच इज नाइन बाय फोर। सो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी, देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या था ऊपर,
पे 1/4 बाहर पहले कांस्टेंट था, ठीक है? सो आवर आंसर विल बी 1/4 कांस्टेंट है बाहर, एम हमारा आया 1/4 और एन हमारा आया 9/4, ठीक है? अपॉन गामा ऑफ 9/4 प्लस 1/4 विच इज 10/4, 10/4, ओके? देखो 10/4 विच इज इक्वल्स टू गामा ऑफ 5/2, गामा ऑफ 10/4 इज इक्वल्स टू गामा ऑफ 5/2, ओके? सो गामा ऑफ 5/2 क्या आता है, एन गामा एन इज एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, सो 5/2 माइनस वन इज, ओके, 5/2 माइनस वन विच वुड बी 5 माइनस 2 विच इज 3/2, ओके? दिस वुड बी 3/2 अगेन, 5/2.5 माइनस वन इज 1.5 विच इज 3/2, सो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 कॉमा 3/2 गामा 3/2, ओके? और गामा ऑफ 9/4 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गामा एन इज एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, सो 9/4 माइनस वन गामा ऑफ 9/4 माइनस वन, सो दिस वुड बी 9 माइनस 4 विच इज 5/4 गामा 5/4, ओके? दिस वुड बी 5/4 गामा 5/4, सो इसको हम लिखेंगे ठीक है, एक बार एम की वैल्यू चेक कर लेते हैं, एम की वैल्यू अलग होगी, एम सॉरी एम इक्वल टू 3/4 है हमारे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एम इक्वल्स टू 3/4 है, सो यहाँ पे मैंने 1/4 लिख दिया है, एम इक्वल्स टू 3/4 है, सो ये हमारा हो जाएगा गामा 3/4 इंटू गामा 9/4 अपॉन गामा 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3/4 विच इज 9 12/4 विच इज 3, ओके? सो अगर इसको हम सॉल्व करने जाए तो देखो, अब गामा 9/4 है, गामा 9/4 कैन बी रिटर्न एज गामा 9/4 माइनस वन इंटू 9/4 माइनस वन, ओके? सो ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 5/4, 5/4 इंटू 5/4, ओके? सिंपल, गामा 5/4 इंटू 5/4, और ये गामा 3/4 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गामा 3/4 इज ऑलवेज 1/4 गामा 1/4, तो हम कर से करते ही आए, और गामा 9/4 अभी हमने क्या फाइंड करा, गामा 9/4 इज इक्वल टू 5/4 गामा 5/4, और ये गामा 3 है वो क्या होगा हमारा 3 माइनस 1 विच इज 2 फैक्टोरियल विच इज 4, ओके? सो दिस वुड बी 1/4 टू फैक्टोरियल इज 2, सॉरी 2 फैक्टोरियल इज 2, 1/4 इंटू गामा 3/4 हमारा कितना है 1/4 गामा 1/4, ओके? सो दिस इज इंटू 1/4 गामा 1/4 एंड दिस इज 5/4 गामा 5/4, ओके? अपॉन 2 अपॉन 2, ओके? सो अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 4 4 16, 4 64 इंटू 2 इज 128, 1/128 इंटू गामा ऑफ 1/4 इंटू गामा ऑफ 5/4, ओके? नाउ गामा ऑफ 5/4 क्या होगा, वापिस गामा ऑफ 5/4 विल बी 5/4 माइनस वन, ठीक है? 5/4 माइनस वन इंटू 5/4 माइनस वन, ओके? सो दिस विल बी गामा 5/4 माइनस वन कितना होगा, 5 माइनस 4/1, दिस विल बी 1/4 गामा 1/4 अगेन, ओके? सो ये क्या होगा, दिस विल बी 1/128 इंटू 1/4 गामा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 को 1/4 गामा 1/4 लिखा, और ये हमारा 1/4 तो था ही, ठीक है? दिस विल बी 1/428 इंटू 4 विच इज 32, 811, 4 4 5, 1/5 1/2 गामा 1/4 का स्क्वायर, 5/1/2 गामा 1/4 का स्क्वायर। तो आज हमने इतने अच्छे सम सॉल्व करे हैं फॉर सम बीटा फंक्शंस, और मैंने एक आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी लिखाई, सो यहाँ पे हमारा बीटा फंक्शंस चैप्टर एंड होता है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, विद द चिल।